पानी टैंकी वाले साहब तबीयत खराब है आपकी। बस 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 वहीं बैठ एक बार जरा बोल दो। तबीयत ठीक है? फीवर आ रहा है। अरे क्या नाम है आपका? सिप्पी शर्मा। मेरी मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मुझे आज शर्म आ रही है पूरे समाज पे, पूरी व्यवस्था के ऊपर कि हमारे टीचरों को इस तरह से टंकी के ऊपर बैठ के और अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कितने दिन से बैठे हो आप लोग? 47 डेज। मैं आपसे बस विनती करने आया हूँ कि अब आप अपना नीचे आ जाओ। आप बुखार भी आपको ऊपर अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। आप लोग नीचे आ जाओ और मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे, दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। टीचरों पे हमने भरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सुविधाएं दी, स्कूलों में सारी सुविधाएं दी, तो वहां पे बहुत अच्छे हो गए। वहां हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, इंग्लैंड भेजते हैं, स्वीडन भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों नीचे आ जाओ। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ। आपके परिवार आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप दिल्ली से हमारे लिए यहाँ पे आए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर। जो मैं 47 डेज यहाँ पे बैठी हूँ, हमारी पंजाब सरकार पास से गुजर जाती है लेकिन हमारे पास नहीं कभी आई, हमारा हाल नहीं पूछा किसी ने। हमारी पोस्टों को 11 साल हो गए सर, 11 साल से हम बेरोजगारी झेल रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन अब ये इन्होंने तो कुछ करना नहीं है। तो सर हमारा 30 तारीख को कोर्ट में फैसला है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब सरकार से सर आप भी करो कि 30 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दें, क्योंकि जो गलती हुई है डिपार्टमेंट से हुई है सर, डिपार्टमेंट की गलती से सर हम 11 साल धक्के खा रहे हैं सर। हमारी गलती क्या है सर? हमारे घर वालों ने पैसे लगा के हमें कोर्स कराए सिर्फ टैंकियों पे चलने के लिए सर। मैं आपसे सहमत हूँ बहन जी, लेकिन इतने दिन हो गए जब इन बहरों ने आपकी बात नहीं सुनी, तो अब तो ये सुनने वाले नहीं। अब तो चुनाव भी आ गए, आप ऊपर बैठे रहोगे, इनको इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, एक मौत हो गई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोगों एक मौत हो गई। अच्छा मौत हो गई सर, मैं बोल के मैं मर जाऊंगी। नहीं मरना नहीं, आपको मरने नहीं देंगे, आपको मरने नहीं देंगे। अपने हक के लिए बैठे हैं सर, देखो हर साल हम इनकी सुनते हैं। अच्छा मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे सर। आप पे भरोसा, हम यही नहीं कहते कि आप पे विश्वास नहीं है सर। आपका तो हम सर दिल से शुक्रिया करते कि आप और पवन सर हमारे पास आए हमारा हाल पूछने के लिए सर। तो मेरे पे लड़की हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है जहाँ पे रहना 47 डेज हो गए सर, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं समझा मेरे को सर। तो मैं इसीलिए आपके लिए आया हूँ क्योंकि मेरे को आपकी चिंता है, आपके हेल्थ की चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। हम आपको कुछ होने नहीं देंगे, आप नीचे आ जाओ नहीं तो मेरे को धरने पे बैठना पड़ेगा। नहीं सर, देखो आप बोलते हो मैं 47 डेज बैठी हूँ तो मेरा हक अगर नहीं मिलेगा सर, 30 तारीख को हमारा फैसला आ रहा है, उसके बाद आ जाओगे? हाँ हमारा फैसला है सर, मेरिट लिस्ट जारी हो जाए हम उतर जाएंगे सर। देखो हम भी अपने घर जाना चाहते हैं, मैंने सारे तैयार सर यहीं पे टेंशन भी बनाए हैं, शादी के बाद सारे तैयार मेरे पहले से, दशहरे का, करवा चौथ, दिवाली सर, मैंने सर टेंशन पे बनाया, किसी ने मेरे पास नहीं कोई आया। इनके साथ ही इधर बैठे, इनके साथ ही इधर बैठे, इनके साथ ही इधर कौन है? ये जगह नहीं है ना, जगह नहीं बन पाती। मेरी आपसे यही विनती है जितना जल्दी नीचे आ जाए, हमें आपकी सेहत की भी चिंता है, आपके परिवार की भी चिंता है, क्योंकि इन सरकारों ने तो कुछ भी नहीं करना। सर पहला तो असी थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो साडे धरने जाके तुसी शमूलियत की। दूजी गल असी पंजाब गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं भी साडा की कसूर है? 11 साल हो गए सानू असी धक्के खा रहे हैं। 2011 तो पहले जिन्नी भी फिजिकल की भर्ती हुई ने सारिया मैरिट लिस्ट से हुई ने, तो साडे नाल ये बेइंसाफी क्यों कर रही है पंजाब सरकार? असी बेनती करते हैं चरणजीत चन्नी जी नू
भी वह एक वधिया स्पोर्ट्स परसन हैं तो सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह जी ने भी साढ़ा 30 तरीक न फैसला होना कोर्ट चा वो साढ़ा 29 तरीक न कल डिपार्टमेंट वालों एफीडेविट बना के जेल को इन्हों की भर्ती की जाए तो असं हसते हसते थले आ जाएंगे नीचे उतर जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी सारे टीवी चैनल मौजूद हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ये अध्यापक साथी हमारे भाई बहन पंजाब सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जारी करो, मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे तो ये लोग नीचे उतर जाएंगे, है ना? यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चन्नी साहब टीवी पे इस टाइम देख रहे होंगे, उनकी बात बिल्कुल जायज है, मेरिट लिस्ट तो जारी होनी चाहिए, मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं होनी चाहिए? सर हमारी कोई गलती भी नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट की गलती से सर ये हमारा केस रुका हुआ, सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी करनी है सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सुन रहे होंगे और जल्दी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे ताकि हमारे बच्चे नीचे आ जाएं और इनको और तकलीफ, इनको और संघर्ष ना करना पड़े। और हमें इन्फेक्शन वगैरह भी हो रहा है, इतनी दिक्कत आ रही है, हमें बता नहीं सकते। 47 सर हमने नहा के नहीं देखा। सही बात है। तो मैं उम्मीद करता हूँ पंजाब सरकार इसको सुनेगी और आपसे भी निवेदन करता हूँ, मैं अभी नहीं कह रहा, आप थोड़ा सा सोचना। मैंने भी बहुत आंदोलन करे हैं, मैंने 15 दिन भूख हड़ताल रखी है, भूखा रहा था 15 दिन। सर हमने शुगर भी की थी सर, शुगर का मरीज था। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़े दिन अगर देखना चाहो देख लो, अगर पंजाब सरकार में उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद इसमें सारे टीवी चैनल हैं, सब जगह अभी लाइव चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि पंजाब सरकार आपकी बात मान लेगी। लेकिन बच्चों अगर नहीं माने तो इसके बाद चुनाव आ रहे हैं, फिर 2 महीने कुछ नहीं होना, फिर आप लोग नीचे आ जाना, संघर्ष फिर नीचे करेंगे, मिलकर करेंगे, ठीक है? मैं आपकी बात मानती हूँ सर, अगर हमारा 30 को केस है ना, तो उसकी तारीख 30 को फैसला दे दे, हम हंस के उतर जाएंगे सर। ठीक है, मैं किस मुंह से नीचे आ रहा हूँ सर? 30 नवंबर को है? यस यस सर। ठीक है ठीक है सर। भगत सिंह ने खुद लिख के दिया था कैप्टन जी को हमारी भर्ती के लिए कि भी सही है कि करनी चाहिए, लेकिन खुद शिक्षा मंत्री होने के बाद हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि 30 तारीख को आपका समाधान जरूर निकलेगा। मैं गिर जाऊँ, हाथ रखे बहुत बेस्ट हूँ, बेस्ट ऑफ लक, मैं हफ्ते बैठा हाथ गाड़ी के लिए करो, गाड़ी के लिए करो, गाड़ी पूरा किले करो, आजाओ आजाओ ये सीएम साहब थोड़ा किया जाओ प्लीज, सीएम साहब थोड़ा किया जाओ जी, थोड़ा आगे आ जाओ सीएम साहब, सीएम साहब नीचे कर लो, सीएम साहब थोड़ा आगे आ जाओ। ये प्रगट सिंह जी की चिट्ठी है, इन्होंने अभी दिखाई है, कौन सी तारीख की है? तारीख बता। 3 महीने पहले जब वो शिक्षा मंत्री नहीं बने थे तब उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब को ये चिट्ठी लिखी थी। दिशा है बेरोजगार पीटीआई अध्यापकों की भर्ती बारे, इनके बारे में चिट्ठी लिखी थी कि इनकी डिमांड करेंगे, हम जब अपनी शिक्षा मंत्री की कुर्सी मिल गई तो डिमांड नहीं करते, ये तो गलत बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, राजनीति अलग बात है, मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बोल रहा, चुनाव आते रहेंगे, पार्टियां चलती रहेंगी, लेकिन मुझे आज बहुत मजा आ रहा है इन तीनों बच्चों को यहाँ देख के। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो चिट्ठी आपने लिखी थी उसको लागू करें और इनकी मेरिट लिस्ट तुरंत जारी करें। 18 साल से टीचर बच्चे हैं, उनको पक्का किया जाना चाहिए था। यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ये टीचर है, इनकी मेरिट लिस्ट निकलनी है, मेरिट लिस्ट निकलवाने के लिए अगर टीचरों को टंकी पे पड़ेगा तो पंजाब सरकार तुरंत इसी मांग पर गौर करे। सीएम साहब खुली खुली चुनौती में खुले में चुनौती करें और दूसरी बात बोल रहे हैं कि जो 10 बजे 250 स्कूल हम बता देंगे, 250 स्कूल जारी करें उसके बाद हम।